बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्स प्लस वाई प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 14। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स प्लस वाई को फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक्स प्लस इन दोनों से वाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 14। फिर क्या करेंगे, यहाँ इन से 2 को कॉमन ले लेंगे, इन से 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14। फिर क्या करेंगे, यहाँ भी इनके साथ 1/2 लिख देंगे और ये दूसरे साइड पर भी 1/2 इनके साथ लिख देंगे। इधर भी इनके साथ 1/2 लिख देंगे, यानी दोनों साइड के साथ 1/2 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनसे 1 को कॉमन ले लेंगे और इनका लिख देंगे एक्स प्लस 1/2। प्लस 2y इनको भी लिख देंगे एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 28 प्लस 1 तो यहाँ एक्स प्लस 1/2 ये वाला ये दोनों सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे जबकि दूसरे ब्रैकेट में 1 या 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 29 डिनोमिनेटर में 2। फिर दोनों साइड के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इनसे आ जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ 2y प्लस 1, यहाँ इनसे 29। फिर इसके बाद 29 के फैक्टर लिख देंगे, 29 मल्टीप्लाई 1, दूसरा 1 मल्टीप्लाई 29, तीसरा माइनस 29 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 29। तो सबसे पहले एक 2x प्लस 1 इनको इसके बराबर, 2y प्लस 1 को 1 के बराबर, यहाँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 29। इसी तरह 2y प्लस 1 को ले लेंगे 1 के बराबर तो यहाँ इनसे आ जाएगा, 1 को इस साइड पर लाएंगे 28 आ जाएगा, 28 को 2 पर तो यहाँ 14, यहाँ 1 को इस साइड पर तो इनसे y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2x इनको ले लेंगे 1 के बराबर, 2y प्लस 1 को 29 के बराबर, तो यहाँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2y प्लस 1 इनको ले लेंगे किसके बराबर, 29 के बराबर। तो यहाँ इनसे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और इनसे 14, y इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 1 ये इनको ले लेंगे माइनस 29 के और इनको माइनस 1 के बराबर, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 29, 2y प्लस 1 इनको ले लेंगे माइनस 1 के बराबर, तो यहाँ प्लस 1 को इस साइड पर लाएंगे माइनस 29, माइनस 1 30 को 2 पर तो माइनस 15, x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 15, इनसे माइनस 2, माइनस 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो माइनस 1। फिर क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इनको ले लेंगे किसके बराबर, इनको माइनस 1 के बराबर, 2y प्लस 1 को ले लेंगे माइनस 29 के बराबर, तो यहाँ इनसे माइनस 2 पर डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 और इनसे आ जाएगा माइनस 15। तो यह हमारे पास क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों से भी 14 और इन दोनों से भी 14, तो यहाँ एक 14 आ गया, दूसरा
इन दोनों से माइनस सिक्सटीन और इन दोनों से भी माइनस सिक्सटीन, तो माइनस सिक्सटीन। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास एक आंसर आ गया 14, दूसरा माइनस सिक्सटीन।